हाँ जी, तो क्या हाल है सबके। तो जैसा कि अभी अभी पहला वाला ब्लॉग आपने देखा होगा कि मैंने जो एक चीज़ बोला था कि मैंने एक ऐसा चीज़ करवाया जिसके वजह से मेरे को मम्मी से बहुत गाली पड़ा। ये तो चलो वीडियो के एंड पे मालूम चलेगा वो गाली पड़ा है कि क्या पड़ा। अभी तो फिलहाल आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देख रहे हो ना बाल कितने लंबे हो गए, तो आज मैं इन्हें कटवाऊँगा। और ऐसा नहीं कि बस कहीं भी कटवा लिया। अभी मैं आपको जैसे कि जो जो मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं और जैसे कि मैंने यूट्यूब पे भी एक पोस्ट शेयर करा था, ग्रूमीफाई नाम से जो एक सलून है, तो ये जो ग्रूमीफाई का जिसका मैं पोस्ट वगैरह शेयर कर रहा था, इसका ओनर मैं नहीं हूँ, मेरी मौसी है। अब अपने फैमिली का ही है, हमारा ही है बस। हाँ लेकिन हाँ भाई, मैं बाल कटाता हूँ तो मेरे को पैसे देने पड़ते हैं, डिस्काउंटेड रेट ही देता हूँ लेकिन देने तो पड़ते हैं भाई। चलो मजाक कर रहा था। तो ये जो ग्रूमीफाई जो सलून है, ये यूनिसेक्स सलून है, और जो कि ये है आपका, मैं आपको इसका एड्रेस बता देता हूँ, नियर प्राग ज्योतिष कॉलेज शांतिपुर, स्लुइस गेट जो है, स्लुइस गेट उसके सामने है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि आ जाओ सलून पे, क्या करो, एकदम सही वाला एकदम रिव्यू दूंगा। अच्छा लगेगा तो अच्छा बोलूंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं अच्छा नहीं बोलूंगा। तो अभी मेरे बाल देखो बहुत बड़े हो गए, तो अभी फिलहाल इन्हें कटवाता हूँ, कटवा के दिखाता हूँ, मम्मी को खुश करता हूँ, देखता हूँ मम्मी खुश होती है या फिर दुख होती है या फिर गुस्सा होती है, क्या होती है देखता हूँ। वैसे तो कोई भी माँ बाप को, जो भी हमारे ब्राउन पेरेंट्स इंडियन पेरेंट्स जो है, उनको कभी भी अपने बच्चों के उनको बचपन में जो बाल काटे थे वही पसंद आता है उनको। वो मतलब कि जैसे कि लंबा बाल कर लिया अपने अपने हिसाब से, जब से वो बच्चा लोग स्टाइल करने लग जाते हैं ना, तब से मम्मी पापा लोग के दिल से वो लोग निकल ही जाते हैं, मतलब उतना प्यार नहीं करते वो लोग। वही मैं ऐसा वाला कट करवा लूँ, इधर से कंघी मारूँ, इधर से कंघी मारूँ, इधर से ऐसे करके रखूँ, ऐसे करके, तो मम्मी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन नहीं, मम्मी ऐसा कट तो नहीं कराने वाला, कुछ अच्छा ही करवाएंगे, देखते हैं। ये लंबे बाल का क्या करना है मैं देखता हूँ भाई, काफ़ी लंबे हो गए। चलो अभी अंदर चलते हैं सलून के और आपको दिखाता हूँ कैसे मेरा हेयर कट मैं करता हूँ। चलो आज का व्लॉग, उसके बाद घर पर भी जाएंगे और मम्मी को भी दिखाएंगे मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है। तो ऑलराइट गाइज, अभी हम लोग आ गए ग्रूमीफाई के अंदर और इधर कुछ अपने लोग भी मिल गए हैं। और जैसा कि ये रहे मेरे मौसा जी जो कि ग्रूमीफाई के ओनर हैं, नहीं बता बहुत शर्मा रहे ये। और इन्होंने मेरे को बाल छोटा करने के लिए बोला हुआ है। और इनके हिसाब से कौन सा कट दिखा रहे थे आप मेरे को, फोन पे नहीं मालूम, फेसबुक से अलग अलग कुछ कट दिया। हाँ देखिए, इनको वैसे कुछ सेंस नहीं है इस चीज के बारे में, कुछ मालूम नहीं है। मेन काटने वाले ये है, ये बस ओनर है, लेकिन ये बता रहे कौन सा कट बताया, कौन सा क्या बताया भैया, बताइए। साइड खाली से करना, अंडा कट नहीं, ये बड़ा होना चाहिए। अच्छा। देखो मेरे को बाल काटने का सजेशन दे कौन सा, पहले उनको, पहले उनका हेयर कट देखो कितना छोटा कितना आ जाता है, कहीं कुछ तो होता है। ठीक है ठीक है, लगता है यही सब करते करते अपना दाढ़ी को सफेद कर लिया। नहीं पता यार, पहली बार आज सलून पे आके काफी अपना अपना फील हो रहा है। तो मैं पीछे का अपने शाहरुख खान टिकी खोल लेता हूँ, फिर लेने। तो अभी एक बार बाल दिखा दीजिए मेरे पीछे से, इधर हीरो कट काटना राजा, ओके पट्टा लगा दीजिए। नेक पे बाल नहीं है, इस बेचारे का बाल अभी ऐसे कटेगा, यहाँ से छोटा तो मेरे हिसाब से क्या बच्चा है, प्यारा बच्चा मेरे हिसाब से कटेगा वो, पर गला में पट्टा लगा। तो भैया पैसा आपको मेरे से मिलेगा, ओनर का बात बिल्कुल नहीं सुनना है, एज अ कस्टमर लेना नहीं सोचना है कि हम अपना आदमी बना रिव्यू खराब देगा, याद रखिएगा अपना वीडियो में फिर कस्टमर नहीं आएगा, याद रखिएगा। कटो यार, क्यों कटवा रहा हूँ मैं, बाद में रिग्रेट ना करूँ बस। पूरा लंबा होता तो अच्छा लगता ना, पूरा एक्चुअली क्या है ना, इसको मैं और थोड़ा लंबा करने वाला था, आप लोग देख रहे होगे जैसे मेरे वीडियोस पे, लेकिन मम्मी और पापा का इतना अच्छा प्यारा प्यारा बात सुनकर और मेरे से रहा नहीं जा रहा। कटवा लेता हूँ,
भाई मेरी मम्मी को जब तक खुशी मिलेगा उससे पहले एक और बंदा जिसको बहुत खुशी मिल रहा है और काफी गुस्से में वो करवा रहा पीछे से और अभी मेरा हेयर वॉश होगा देखो अभी कुछ ऐसा लग रहा है दिखाते रुक जा इनका बस चले तो एकदम बचपन वाला हेयर कट करते भागो ना कट क्यों मिल जाएगा और जब इनका मूड बहुत जॉली मूड हुआ तब तो पैसा भी नहीं लेंगे मतलब शाम को 8 बजे के बाद है तो भाई फाइनली जो है हेयर कट हो गया है ये देखो कैसा लग रहा है कमेंट से बताना अभी अभी कोई ये मत बोलना कि पहले अच्छा लग रहा था ठीक है और देखो गेट पे ही जो है हमारे ओनर जिस जिसको लग रहा था कि ये पेड प्रमोशन था कुछ भी नहीं ना मेरे को फ्री में हेयर कट भी नहीं मिला देखो स्कैनर लेके खड़े हैं अभी हटा दिया देखो अभी जस्ट मिनिमाइज किया अभी जस्ट मिनिमाइज भाई होम बटन पे कौन रुकता है नहीं नहीं स्कैनर दिखाइए ये देखो देखो रिसेंट में था मांगा ना होम बटन इसलिए तुम दिया था तो मेरे को भी देना पड़ रहा है मैं कितना दे रहा हूँ वो नहीं दिखाऊंगा मैं तो बेचारे लॉस हो जाएगा कितना कितना बोलिए ना सही में बोलिए जो कस्टमर का रेट है वो बताइए जो मेरे को जो कस्टमर लोग आएगा मेरा उसको डिस्काउंट करके जो रेट मिलेगा वो बताइए सबके 300 आपके कश्मीर 250 क्या सबके सबके 300 होता है छोड़िए तो बताइए तो आप मालिक नहीं 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 आप बताइए आप जो काम करते हो बताइए ठीक है 150 और 100 हाँ नहीं हम दाढ़ी तो नहीं कटे ना मेरा तो दाढ़ी है ही नहीं वो दाढ़ी के लिए तो हम तड़ा फरा बस तेरे जब दो दो तो क्या सुधर रहा कथा अच्छा अच्छा गल गया बड़े दुख से मेरे को भी पैसा देना पड़ रहा है जान लो इंसान का दुख लग रहा है पेटीएम पर 180 रुपए प्राप्त हुए चलो ठीक है भाई अभी जाते हैं और मम्मी को दिखाते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या रहता है वो दिखाते चलो बाय बाय नेहा तुम्हारी शादी का भी व्लॉग बनेगा तुम आज लिपापोती करवा लो ये बंदा डिस्काउंट देता नहीं है ये जो हमारे मौसा है ये डिस्काउंट देते नहीं है उल्टा पैसा ज्यादा लेते है तुमसे कभी लिया है ठीक है भाई सही है 20 रुपए कम देना पड़े मैं जहाँ पे पहले कटवा था उससे 20 रुपए तो गाइस अभी मैं घर पहुँचने वाला हूँ बस 10 मिनट की दूरी पे हूँ तो अभी मम्मी को फोन उठा ले हाँ हेलो मम्मी बोल रहा है क्या कर रहे हैं आप काम कर रहे हैं खाना बना लिए अच्छा अच्छा बोल रहा है हम आ रहे हैं हाँ 10 मिनट में घर कुछ करवाया है आपको दिखाना है गाड़ी में नहीं 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 खुद पे अच्छा आप हॉल रूम पे बैठे रहना हम पहुंचने वाला है ठीक है ना ठीक है हाँ ठीक है लाल गणेश पहुंचा हम पहुंचने वाले तो मम्मी को फोन किया था मैंने और मम्मी काम कर रही है और मम्मी को अभी देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है क्योंकि बहुत दिन से ना भाई मम्मी तो बहुत ज़्यादा पापा उतना ज़्यादा घर पे तो नहीं रहते मम्मी मम्मी क्या है अभी ऑफ सीजन भी है तो मैं घर पे बैठा हुआ हूँ ज़्यादा जो भी है फ़ोन वोन पे काम हो रहा है तो मम्मी हमेशा देख रही है ना मम्मी को गुस्सा आ रहा है कि वो पहले वाला राज नहीं देख पा रही हूँ मैं पहले वाला राज नहीं देख पा रही हूँ मैं तो मम्मी को दिखाते हैं
मम्मी को दिखाते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। चलो वीडियो पे बने रहो और भाई कमेंट करके बताना कि आप लोग का भी मम्मी जो है, मम्मी पापा जो है, वो बड़े बाल करने से गाली देते हैं कि नहीं देते। मेरे को तो लगता है कि शायद से मेरे वाले पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा देते हैं मेरे को। चलो देखते हैं, अब वीडियो पे बने रहो, जाते घर पे, घर पे पहुंचने वाला बस 10 मिनट में। ऑलराइट गाइस, अरे रुक जाओ एक मिनट, कॉपीराइट लग जाएगा। अब यूट्यूब पे हो गया 1 साल होने वाला है, मालूम है सारा कुछ। इतने धीरे वाले साउंड जो आपको सुनाई दे रहे हैं ना, उसको कॉपीराइट नहीं मार पाओगे यूट्यूब वालों। अच्छा छोड़ो, अभी मैं घर पे पहुंच गया, गाड़ी पार्क कर दिया मैंने, अभी चलते घर के अंदर। रुक जाओ एक मिनट, लेंस साफ कर लेता हूँ। अब चलते घर के अंदर, आप लोग भी रिएक्शन देखो, मेरे को भी देखना कैसा होता। मम्मी, अच्छा टमाटर 2 रुपए, टमाटर 6, छोटा किया है। हाँ बढ़िया लग रहा है अभी। हाँ। पहले वाला अच्छा था, अभी वाला अच्छा है? अभी वाला अच्छा है, पहले वाला पगला जैसा लग रहा था। देखिए बहुत बहुत अच्छा किया बाबू, आज से पापा का गुस्सा शांत। और आपका? मेरा भी। पापा तो मैं जैसा लगता, थोड़ा ब्लॉग व्लॉग बना रहा है। अभी अच्छा लग रहा है। तो नानी अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो भाई नानी को भी अच्छा लग गया, अब तो यही वाला रखना है, अब बुलेट बुलेट छोड़ दो। चलो वैसे मन तो नहीं है, लेकिन इससे भी पूछ ही लेते। बता आज तो वो तारीफ कर दे जो आज तक जिंदगी में नहीं की। तारीफ करने का कुछ बात तो कैसे करें। कैसा लग रहा है बता, एक बार देख तो। हाँ ठीक है, एक बार देख तो, एक बार देख तो। वही अपने प्यारे सनी मामा और सुमन मौसी का, उसमें ग्रूमी पाए जिसका खुद का मुंह चमका दे। भाई कोरोना जो आया था ना, वो चाइनीज लोगों ने इसी का कोई पार्ट खा लिया था। ठीक है भाई, तो व्लॉग यहीं पे एंड होता है। लाइक करें, शेयर। तो भाई, और देखो देखो, आप देखा आप लोगों ने कि मम्मी भी बहुत खुश है। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया था कि जो सही होगा सही बोलूंगा, खराब होगा खराब बोलूंगा, तो सही बात बोलता हूँ कि अभी नया नया ओपनिंग है तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जो अभी तो एक ही बंदा है काटने वाला, और एक लेडीज़ है, तो अभी एक ही बंदा है काटने वाला, तो काफ़ी टाइम लेके अच्छे से काटा उन्होंने, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो और करते जाएंगे, वो और इम्प्रूवमेंट होगा, उन लोगों को मालूम चलेगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करना है। काफ़ी अच्छा था, आप लोग भी जा सकते हो, हेयर कट्स वगैरह काफ़ी अच्छे करते हैं। आप लोग जाओगे, चांस दोगे तो ही इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, इनका नया स्टार्टअप है, तो आप भी जाओ। एड्रेस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, और तो विजिट करना। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियोस को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों के बिना ये सफल तो बिल्कुल मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो चलो ऐसे डेली व्लॉग्स देखने के लिए, अभी जैसा आपकी मैं डेली चल रहा है ना, चल रहा है, जैसे कि मैं डेली व्लॉग्स अभी डाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ डालने का, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सपोर्ट करना। सपोर्ट तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट से ही होगा, और क्या है ना। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सेफ रहो, सेफ सेफ रहने के लिए बोलता हूँ, हमेशा सेफ रहा करो। चलो बाय बाय, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं पहले ठीक था, अभी ठीक है। बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं भाई नहीं तेरा, आई कॉट अ वेव, मैं हाई नहीं कह रहा। बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, अब मांग रहे टाइम में रिप्लाई।